क्या नाम है आपका? सीमा कुंते। भाई का क्या नाम था? सुकेंदर। सुकेंदर यादव कुमार। सुकेंदर कुमार। साथ झाझा डिजिटल न्यूज में झाझा के रहने वाले युवक सिकंदर उप सुकंदर बोला जाता है उनको, नाम एक सिकंदर नाम है उनका, उनकी मृत्यु हो जाती है। आज देख सकते हैं कि ग्रामीण के आंखों में, यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं सभी के ग्रामीण के आंखों में नम है। और वहाँ पे देख सकते हैं कि इस वंश में सिर्फ एक ही युवक थे जो घर गृहस्थी चलाने के लिए थे। आपको बताना चाहता हूँ यहाँ के जो उनके पिताजी थे वो बीमार रहते थे और तीन बहन थी, और उसी आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहने के कारण वो कमाने के लिए पलायन जो है बेंगलोर कर रहे थे और इस घटना उसके साथ में हो गई। देखिए हम कुछ ग्रामीण से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा लड़का था बाबा? लड़का तो बहुत अच्छा था। क्या है घटना को लेकर क्या कैसा लग रहा आपको? घटना लगती तो हम लोग का यह लगता है सर हम लोग कान मर जा। हाँ ऐसा लड़का था ना, उसको समझ से हम लोग को लगता है हम लोग उसके पीछे मर जा। अच्छा लोगों का कहना है कि छापा पंचायत में सबसे गरीब युवक थे। हाँ एकदम पूरा बेहालत गरीब। हाँ बेहालत गरीब, कोई दम नहीं है एकदम गरीब आदमी देखना चाहिए। गरीब आदमी कर सब पूरा छापा पंचायत है, इससे गरीब धरती पर कोई मनुष्य नहीं है। एकदम गरीब है बेचारा, गरीब का इससे गरीब है बेचारा, एकदम कुछ नहीं है इसको पास, कुछ नहीं है। तो ऐसे में माने सांसद चिराग पासवान इनकी सहायता करने के लिए आप लोग मांग करना चाहते क्या? हाँ सर जी जरूर देना चाहिए सर इनको। क्या मांग करना चाहिए सर? क्या कहना चाहते सांसद चिराग पासवान से? जी इसको कुछ मतलब मुआवजा मिल जाना चाहिए सर इनको, और क्या मिलना चाहिए इसको? तीन को लड़की है तो मतलब पिताजी इनका है, मतलब माँ है, क्या है इनको पीछे कोई आदमी है नहीं है। अब कौन इसको खिलावेगा, कौन रखेगा इनको? कोई इसको पास है? कोई नहीं है, इसलिए कोई इनको देने वाला एक रुपया नहीं है, समझ रहे? इससे कारण सती इनको आप लोग सभी मिलकर कहते हैं कि मतलब इनको दे दीजिए तो सबसे बरकरार रहेगा बेचारा, कम से कम सुखी रहेगा, जितना दिन रहेगा कम से कम खाएगा, इनको कोई देने वाला नहीं है। बस ग्रामीण है यहाँ के, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माननीय सांसद चिराग पासवान के द्वारा यहाँ पहुँच जाए। इस घटना को लेकर पूरी गांव में एक मातम छाई है, और हमारे साथ में समाज सेवी गौरव सिंह राठौर भी जुड़े हैं, और यहाँ का स्थानीय मुखिया जी जिस तरीके से परिजनों का मदद किए हैं, क्योंकि इसका इतना आर्थिक स्थिति कमजोर था उसकी बॉडी लाने के लिए पैसा तक नहीं था, मगर मुखिया जी ने एम्बुलेंस का व्यवस्था कर यहाँ का बॉडी मंगाया। और मैं स्थान यहाँ के बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं कमाने के लिए, कहीं दूसरे राज्य जा रहे हैं, अगर बिहार में ऐसा रोजगार होता तो आज ऐसे सिकंदर की मौत नहीं होती, ऐसे युवक को मौत नहीं होती और अपनी जान 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 बच जाती, और ऐसे माँ बाप का बेटा उजड़ने से बचता। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सो के अंदर नाम बेटा का नाम माई अपने घर। अच्छा ये कहाँ जा रहा था आपका? अरे बंगलोर बेटा कर्जवा हो गेल, कर्जवा तोड़ना बेटा मर गए, सुदिया पारा पैसवा ले लिए थे, कर्ज था आपके ऊपर 1,00,000 टकवा कर्जवा छे, लाइन में पहले पकड़ा गया, लाइन में फैनवा यो तर बेटा के ले लाख आ घर हम पैसवा बेटा लागल आ बेटा बग पारी छवा दस आज एक बेटा छे, तीन गो बेटिया छे, 10,000 पैसवा बेटवा पारी छवा 8 दिन होले ये बुध के पारी छवा दिल के बेटा। इससे गरीब आदमी और कोई नहीं था। आपका नाम क्या हुआ? सुनील लाल यादव। आपका घर कहाँ? यही है धपरी है सर। नाम क्या बताया? सुनील लाल यादव। क्या कहना चाह रहे हैं? इससे गरीब इस गांव में और कोई आदमी नहीं था, जितना ही लाचार था। भाड़ा के लिए बेंगलोर जाने के लिए किराया पर वो सूद पर पैसा लेके जा रहा था, किराया अपना ये सोच सकते हैं। टिकट के लिए भी? हाँ हाँ कर्ज पे लिए, ब्याज पे लेके जा रहा था, वो भी मौसी उसको ला के दिया कर्ज पे पैसा। तो लड़का कैसा था? लड़का बहुत ऐसा इंसान तो बोले ना गांव में पहली बार हम देखे हैं, बिल्कुल सीधा साधा था, मतलब कहीं ना कहीं कर्ज के तले ये लोग दबे थे। जी सर। वो जो सुकंदर था वो कमाने के लिए जा, हाँ जा रहे थे, जैसे कर्ज अपना पिताजी बीमार रहा था उसके दवाई सुई के लिए अपना पैसा नहीं था उसके लिए जा रहा था। उसके बाद कर्ज आखिर हुआ कैसे? जैसे पिताजी बीमार रहता है और घर का स्थिति भी देखिए, इससे कमजोर घर गांव में मिलेगा भी नहीं। लोग की शादी को लेकर भी क्या कर्ज हुआ? हाँ वो लोग को भी पहले कर्ज था, 1,00,000 करीब कर्ज है उनके ऊपर। 1,00,000 जो कर्ज था वो बहन की शादी के लिए? जी सर, छोटी उससे बड़ी है, मतलब तीनों बहन, छोटी वाली जो बहन है उसके शादी के लिए कर्ज हुआ था, उसके लिए वो जा रहा था, बोला जब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद हम कमा के कुछ पैसा चुकता कर देंगे फिर पढ़ेंगे बंगलोर के लिए।
और उसने यहाँ से गया है, उसके साथ जो भी दो लड़का है वो लड़का भी टिकट दिखा रहा है, और उसका भी टिकट उसके पास था, उसका ये आधार कार्ड उसके पास था, आधार कार्ड के जरिए जो है पुष्टि हुआ कि कहाँ का ये बच्चा है, ठीक है। और अब जो है सो रेलवे उसको छुपा रहा है कि ये जो है सो यात्री नहीं थे, ये तो गलत बात है, जबकि इसका कहीं मुआवजे के कारण लग रहा है कि रेलवे जो है अपना पल्ला झाड़ने के फिराक में। बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, और आए दिन जो है सो आज का ही घटना को देख लीजिए, यहाँ सुनने को आ रहा है कि 12 यात्रियों के साथ जो है सो इस तरह की घटना हुई है, और वहाँ दिखा रहे मात्र दो, ये तो ये उसको छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है कि मुआवजा से हम बचें, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होगा, हम लोग जहाँ तक हो सकेगा संभव वहाँ तक जा करके इनको मुआवजा भी दिलाने का प्रयास करेंगे। खामियां को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा क्या बोले रेल विभाग अपनी खामियां को छुपाने के? बिल्कुल बिल्कुल, खामियां क्या, अब तो मान लिया जाए जब इस तरह की हादसा हो गई तो हम लोग तो वहाँ तक जा करके पता किए हैं, वहाँ तक के बाद छन करके आया है कि रेल ट्रैक के पास, रेल ट्रैक के किनारे जो है सो ये पत्थर गिराया गया था, और पत्थर को रेल में टच करने से वो धुआं टाइप का पूरा गर्दा टाइप का हुआ, और ड्राइवर को लगा कि धुआं हो रहा है, कहीं आग तो नहीं लग गया, उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद वहाँ इस पीड़ित परिवार को सहयोग दिया है, ये इसके लिए हम इनके बधाई का पात्र मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मदद किया आगे बढ़ करके एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, इसके लिए काफ़ी सराहनीय योग्य है। अब मुखिया इसी तरह होना चाहिए, पंचायत का मुखिया इसी तरह होना चाहिए। और ये दुखद घटना है, जिस तरह से इनके पिताजी जो सुकेंदर थे, जो मैट्रिक का परीक्षा देकर उत्तीर्ण हुए थे, उनके पिताजी भी मनबुद्धि हैं और दिमागी कमजोरी उनसे ग्रसित है, और ये बेंगलुरु जा रहे थे अपने बहनोई के पास, और उसी प्रकार में जामताड़ा में जिस तरह से हादसा हुआ और उसमें उनकी मौत हो गई। हम चाहते हैं सरकार से कि अविलंब जो है इनको सहायता राशि दे, और इनके परिवार जो बेहद गरीब हैं उनको किसी तरह से इस दुख से उबारने के लिए एक अच्छी खासी जो है आर्थिक सहयोग करें, तभी जाके इनका पूरा परिवार सवर सकेगा और निखर सकेगा। एकलौता पुत्र था और इनके जाने पर पूरा समाज को अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि शिक्षित युवा था, और यहाँ के ग्रामीणों में आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में कितना एकता है। क्या मांग करना चाहते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं, जिस तरह से रेलवे का जिस तरह से हादसा हुआ, लापरवाही है उसमें, और जबकि बच्चे के पास टिकट भी था लेकिन इसका टिकट किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है कि इतना लंबा सफर कर रहा है, बच्चा टिकट लेके गया था। तो निश्चित तौर पर 25 लाख रुपया केंद्र सरकार इनको अविलंब दे, इसके लिए तो हम लोग मांग करते हैं कि 25 लाख रुपया दे, और जिलाधिकारी से भी हमने बात किया, जिलाधिकारी से भी मांग करते हैं कि तत्काल बिहार सरकार से जो भी राशि आवंटित होती है ऐसी दुर्घटना में, वो तुरंत अविलंब इनके घर तक पहुँचे।